बिजली कटौती से सिंचाई में आ रही दिक्कत। वहीं जनपद रामपुर में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की अंबेडकर पार्क में पंचायत हुई, इसमें बिजली की अंधाधुंध कटौती पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इस संबंध में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिला अध्यक्ष संजोर अली पाशा ने कहा कि बिजली की अंधाधुंध कटौती की जा रही है, इससे किसानों को सिंचाई करने में दिक्कत हो रही है। तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले, इसके साथ ही क्षेत्र में अवैध तरीके से लकड़ी का कटान किया जा रहा है, इस पर अंकुश लगाया जाए। देखिए, मेरा नाम संजोर अली पाशा, जिला अध्यक्ष हूँ मैं रामपुर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। आज हम सब लोग चार सूत्र ज्ञापन सरकार को दे रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से, जिसमें हमारी 7 महीने होने को जा रहे हैं 26 तारीख को। जो किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, विरोध कर रहा है, जिसमें किसानों के साथ अन्याय भी हो रहा है, कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि पानी की बुछारें डाली जा रही हैं किसान के ऊपर, डंडे लाठी बरसाए जा रहे हैं किसान के ऊपर। एक तरफ तो सरकार किसान को देश का अन्नदाता कहती है और दूसरी तरफ किसान के साथ ये व्यवहार होते हैं। यह सरकार को सोचना चाहिए कि 80% या 70% किसान की आबादी मानी जाती है और देश का अन्नदाता है किसान। जैसे कि आपके गेहूँ उगाया है, अब उनसे जब कहा तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि गेहूँ की खरीद हमने पिछले साल से ज़्यादा कर ली। उनसे कोई यह पूछे पिछले साल से ज़्यादा खरीद उन्होंने गेहूँ की क्यों कर ली, कि किसान ने पिछले साल से ज़्यादा मेहनत करी है, जब भी पैदा किया है, जब पिछले साल तो ज़्यादा है, जब भी तो खरीदे हो रही हैं और अनाज अभी भी घरों में पड़ा है जो कि नहीं तुल रहा है। और दिल्ली में प्रदर्शन भी किसान कर रहा है, अपना कार्य भी देख रहा है जनता के लिए। अगर ये किसान अगर ये कार्य नहीं करेगा, ज़मीनों में नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करेगा, तो आवाम क्या करेगी। एक समय वो था जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देशों से अनाज लेने जाना पड़ता था, वो ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, थोड़े ही सालों पहले की बात है। और आज का टाइम ये है, ये खुशकिस्मती है हमारे देश की कि आज हमारा देश का किसान इतना अनाज पैदा करता है कि दूसरे देशों को भी दे देता है। और उसके बाद भी आज आप ये बताएं, देखने की बात है कि बिजली विभाग है वो अपनी हरदमी करे चले जा रहे हैं, कोई अपनी किसी समस्या का समाधान नहीं करते। उधर किसान है पिटा जा रहा है कई सालों से, जिला वन अधिकारी है रामपुर में, वो ऐसा शोषण कर रहे हैं किसान का कि कोई कार्य ठीक नहीं करते हैं। बड़े बड़े जो लोगों के प्लाटिंग वालों के बाग हैं उन्हें कटा देते हैं, सरकारी लकड़ी अवैध रूप से लूटी जा रही है डंडिया वन में, पीपली वन में, जिसकी हमने उनको ट्रालियों की फ़ोटो दी, चोरी जो करने वाले बंदे थे उनकी फ़ोटो दी, मीडिया वालों ने भी अखबारों में लगाया, मगर उसके बाद भी उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी अगर जिलों में रहेंगे और सरकार उन पर अपना शिकंजा नहीं कसेगी तो किसान तो डूब ही रहा है, मगर जो सरकार का माल अवैध तरीके से लूटा जा रहा है, क्या सरकार का नुकसान नहीं हो रहा है? उस पैसे को लुटेरों से बचाकर अगर गरीबों में बांटे सरकार, तो शायद कुछ गरीबों का भी भला होगा और उससे सरकार को खुशहाली होगी, जब उसकी आवाम खुशहाल होगी। आज देश में कौन सी आवाम, छोटे तबके की, बड़े तबके की, मजदूर तबके की, कारोबारी कौन खुशहाल है? देखिएगा, सब परेशान है। और जब लोग ही देश के परेशान हैं तो देश की खुशहाली कहाँ से आएगी, ये बताइए। आज आप